क्योंकि इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का की आवश्यकता राष्ट्र को थी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो श्रम साधक हैं, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी, देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं, जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने, ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, जननायक बना देती है। मुझे प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है, जब उन्होंने पांव पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का और स्वच्छाग्रहियों का, उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से, जिस तरीके से उनके श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे और ले आइए अपने, और ये परंपरा है अजय, ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान है। यही प्रधानमंत्री की अदा सबको लुभा लेती है, कनेक्ट कर देती है, जो अपना नहीं उसको भी अपना बना लेती है। आंखों में देखिए, अंतर्दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है। ये सरलता, सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की दो दो चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों